ध्यान सुनना, ऐसा क्या करो ना, तुम्हारे पास मान लो स्प्रिंग नहीं है, कोई ऐसे स्ट्रिंग है, धागा है, धागे से तुमने ब्लॉक को ऐसे सस्पेंड किया और मास उससे अटैच कर दिया। अब क्या, जो धागा है ना, वो थोड़ा ऐसा है एक्सटेंसिबल, कैसा है, अबे ऐसा होता नहीं, उसे तुम थोड़ा सा खींचो, ज्यादा नहीं, ज्यादा खींचोगे टूट जाएगा, थोड़ा सा खींचो और खींच कर छोड़ दो तो थोड़ी थोड़ी ऑसिलेशन करने लग जाता है, जस्ट लाइक अ स्प्रिंग। मतलब कि ये जो हमारे पास स्ट्रिंग होती है, ये स्प्रिंग की तरह बिहेव करने लग जाती है, करने लगती नहीं, तो उसका कुछ स्प्रिंग कांस्टेंट भी आएगा, इक्विवेलेंट आएगा, नहीं आएगा। अच्छा सुनो, जब हम इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट लिखते हैं, इसका मतलब क्या होता है, एफ इज इक्वल टू के एक्स लिखते हैं, अगर एक्स उसमें नेचुरल लेंथ से एक्स खिंचाव या कंप्रेशन आया तो उस पर फोर्स लगेगा एफ, तो एफ अपॉन एक्स क्या हो जाएगा, के, मतलब फोर्स पर यूनिट लेंथ इज के, है या नहीं है। तो इसी तरीके से इस स्ट्रिंग के लिए भी मैं फोर्स पर यूनिट लेंथ को के बोल सकता हूँ, बोल सकता हूँ या नहीं बोल सकता हूँ। अब ध्यान सुनना, हमें पता है फॉर्मूला ये होता है वाई इज इक्वल टू एफ अपॉन ए, एफ अपॉन ए क्या है, स्ट्रेस, क्या है, अपॉन एल अपॉन कैपिटल एल, एल अपॉन ये क्या है, स्ट्रेन, एल मतलब चेंज इन लेंथ, छोटी सी जो भी हम एक्सटेंशन करेंगे इसमें, और एल है इसकी नेचुरल लेंथ। मेरी बात समझ में आ रही है, बोलो। तो इसको ऐसे लिख देते हैं अपन, एफ एल अपॉन ए एल, पर अपने क्या चाहिए, फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ भी मतलब वो वाली लेंथ जो चेंज इन लेंथ है। मेरी बात समझ में आ रही है, जैसे एफ इज इक्वल टू के एक्स में करते हैं, तो इस तरीके से इसका, इसको के बोल दें तो के क्या हो जाएगा, के इज इक्वल टू वाई ए अपॉन, बाकी सारी चीजें सेम, बस ये के का फॉर्मूला याद कर लो अलग से। कि अगर आपके पास कभी कोई स्ट्रिंग आ जाए जिसका यंग्स मॉडुलस दे दे, क्या दे दे, तो उसके के का फॉर्मूला हो जाएगा वाई अपॉन एल। सिंपल, हम इसको एक स्प्रिंग की तरह मान लेंगे, पर उसमें भी थोड़ा सा है, अभी मैं इसी यही एक बार में पहला क्वेश्चन लिया, जैसे सब क्लियर हो जाएगा तुम्हारा। मेरी बात समझ में आ रही है, बोलो, कोई दिक्कत। अच्छा मुझे बताओ, ये समझ में आ गया, के की वैल्यू ऐसे, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और लेंथ आपको गिवन है, ए और एल मान लो, ठीक है। अब मुझे बताना तुम, अगर मैंने इस स्ट्रिंग से एक मास लटका दिया, उसको खींचा, तो ये स्प्रिंग की तरह बिहेव करेगी, लेकिन अगर मैंने उसी मास को लटका के ऐसे थोड़ा सा दबाया, तो ये स्प्रिंग की तरह बिहेव करेगी क्या, कैसी हो जाएगी, स्लैग हो जाएगी, ढीली हो जाएगी। बात समझ में आ रही है, और उसकी वजह से कोई ऑसिलेशन नहीं आएगा। इसका मतलब कि ये के भी सिर्फ और सिर्फ तब यूज करना है जब वो अपनी नेचुरल लेंथ से खींची हुई है। मेरी बात समझ में आ रही, कंप्रेशन में नहीं चलेगा, कंप्रेशन में स्लैग हो जाएगी, वो कुछ नहीं करेगी ऐसी लेंथ, तो कोई फोर्स नहीं लगाएगी, और जब स्लैग हो जाती है, ढीली हो जाती है, तो टेंशन भी जीरो हो जाता है ना। बात समझ में आ रही है, तो अब क्या करना है हमको, इस पूरे सिस्टम का टाइम पीरियड निकालना है। क्या निकालना है, अब टाइम पीरियड निकालने के लिए क्या होता है, फिलहाल ही मस्त रखा हुआ है मीन पोजिशन पे, तो इसको यहां से एक्स छेड़कर छोड़ दो, तो इसी तरह इस तरफ कर दें एक्स इसको। बात समझ में आ रही है, ठीक है, मान लो एक्स इधर की तरफ मैंने इसको खिसका दिया, तो ये आ गया, तो इस पर कुछ कुछ फोर्सेस लगे, कौन कौन से, एक तो ये वाली जो स्ट्रिंग है ये इसको वापस खींचेगी, और ये जो स्प्रिंग है ये इसको वापस धक्का मारेगी। मेरी बात समझ में आ रही है, तो इस पे जो नेट फोर्स आएंगे वो दोनों की वैसे आएंगे। मैंने इसको खिसकाया ऐसे, तो इधर वाले फोर्स इसको नेगेटिव लिखूंगा, लिखूंगा या नहीं, तो एफ इज इक्वल टू एफ नेट जो भी आएगा वो किस किस की वजह से, इसकी इसकी और इसकी वजह से, इसकी वजह से इधर, इसकी वजह से इधर, और इसकी वजह से भी इधर, इसकी वजह से कितना लगेगा वो निकाल लेते हैं। इसका मैंने के कितना निकाला, वाई ए अपॉन, और माइनस साइन लगा लू क्योंकि इधर डायरेक्शन में, माइनस वाई ए अपॉन एल इंटू एक्स। मेरी बात समझ में आ रही है, ऐसे ये वाली भी खींचेगी, माइनस टू वाई ए अपॉन एल इंटू एक्स, और ये वाली धक्का मारेगी कितना, माइनस के एक्स। बात समझ में आ गई, बोलो, कुल मिला के इस फॉर्मेट में आ गया क्या, माइनस, अच्छा ये और ये मिलके हो जाएगा थ्री वाई ए एल प्लस के इंटू एक्स। बात समझ में आ रही है, अगर ये इतना आ गया तो एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स वाली फॉर्मेट आ गई। हाँ बोलो, स्प्रिंग कांस्टेंट के, ये वाला, ये तो वायर, अबे ये तो स्प्रिंग का है, ये इन वायर्स का भाई, तुम समझे ही नहीं, इन वायर्स को ऐसा स्प्रिंग की तरह मान सकते हैं, तो इनका कुछ स्प्रिंग कांस्टेंट आएगा, इक्विवेलेंट आएगा नहीं आएगा, वो इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट, ये डिनोट तो कैसे ही करेंगे, ठीक है, समझ में आ रही बात। अब क्या, ये एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स वाली फॉर्मेट आ गई, तो इसका टाइम पीरियड आएगा, पर इस टाइम पीरियड को मैं पूरा 2 पाई इनटू टेन बाई के नहीं लिख सकता। क्यों नहीं लिख सकता, सुनो, जब हम पहले करते थे इसको एक्स इधर डिस्प्लेस करो तो भी इस पे ही फोर्स लग रहे हैं, लग रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर मैं इसी एक्स को इधर डिस्प्लेस करूं, इसी एक्स को, थोड़ी देर बाद देखना होगा क्या, ये ऐसे गया, वापस ऐसे आएगा, और फिर उसका ऐसे जाएगा, जैसे ही ऐसे जाएगा ये दोनों स्ट्रिंग ढीली पड़ जाएंगी, स्लैग हो जाएंगी, और जैसे ही थोड़ा सा इधर जाएगा ये दोनों ढीली पड़ गई, तो ये दोनों कोई फोर्स नहीं लगाएंगी,
तो उस समय सिर्फ और सिर्फ इस स्प्रिंग का फोर्स लगेगा। तो आधी साइकिल में तो दोनों चीजें फोर्स लगा रही हैं, और बच्चे कुछ आधी साइकिल में सिर्फ स्प्रिंग फोर्स लगा रही है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो आधी साइकिल के लिए टाइम पीरियड तो यहां से आएगा, और बच्चे कुछ आधी साइकिल के लिए सिर्फ और सिर्फ स्प्रिंग का आएगा। तो इससे जो टाइम पीरियड आया उसे मैं क्या लिखूं, टी वन इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम बाई के, या 2 पाई अंडर रूट एम बाई के का आधा पाई लगा दें सिर्फ। तो इससे आएगा पाई अंडर रूट एम अपॉन 3 YA अपॉन एल प्लस के। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये तो इतना आ गया टाइम पीरियड। अब बच्चा को जब टी टू टाइम पीरियड निकाल लू, टी टू टाइम पीरियड में सिर्फ और सिर्फ ये स्प्रिंग काम कर रही है, तो टी टू क्या आ जाएगा, सिंपली टी टू इज इक्वल टू पाई अंडर रूट एम बाई के, आधा उसके लिए आधा इसके लिए, और टोटल टाइम पीरियड दोनों को सम कर देंगे। बात समझ में आ रही है? तो टी इज इक्वल टू टी वन प्लस टी टू, और ये क्या हो जाएगा, पाई पाई कॉमन ले लो बेशक, है ना, पाई अंडर रूट एम बाई के प्लस अंडर रूट एम बाई 3 YA बाई एल प्लस, ये है पूरा टाइम पीरियड। मेरी बात समझ में आ गई? काफी अच्छा क्वेश्चन है देखा जाए तो, क्योंकि डायरेक्ट क्या करते हैं ना, इधर एक्स किसका आया और पूरा टाइम पीरियड इससे लिख देते तो गलत हो जाता, आधे के लिए ये चल रहा है और फिर बच्चे को आधे के लिए वो चल रहा है। बात समझ में आ गई? नोट करो, ये दोनों मासेस स्मॉल एम, ये भी स्मॉल एम, सेम मास है, स्प्रिंग कॉन्स्टेंट के दे रखा है, ये सेपरेशन यहाँ से यहाँ तक 2L है, और ये यहाँ से एल लेंथ से स्टार्ट होता है, इसकी रफ्तार दे दी इनिशियली वी। अभी क्या होगा, ये इधर से इधर जाएगा, इस मास से टकराएगा, अब टकराते ही टाइम, हाँ मास दोनों सेम है, टकराते ही टाइम तुम्हें ये पता होना चाहिए कि कोलिजन किस टाइप का है, इलास्टिक है, इन इलास्टिक है, पार्शियल इलास्टिक है, कैसा है। तो आपको ये गिवन है, द कोलिजन इज परफेक्टली इलास्टिक, कोलिजन इज परफेक्टली, ऐसा कंसिडर कर लें। अच्छा, जब परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होता है तो क्या क्या होता है, एनर्जी का लॉस नहीं होता, मतलब काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व, और मोमेंटम तो हर कोलिजन में कंजर्व होता ही है अगर नेट फोर्स जीरो है तो। ठीक है, अब क्या हो रहा है, इधर से इधर ये जाएगा, टकराएगा, दोनों का मास सेम है, मोमेंटम कंजर्व कर दें, अच्छा इनिशियल मोमेंटम, अभी मतलब टकराने से जस्ट पहले क्या मोमेंटम, ये तो रेस्ट पे है, इसका मोमेंटम कितना है, एम वी इज इक्वल टू, फाइनली फाइनली दोनों का हमें क्या समझना है कि दोनों का फाइनली दोनों का मोमेंटम कैसे निकलोगे, लिखोगे, मान लो इसकी वेलोसिटी हो जाती है v1 और उसकी हो जाती है v2, तो mv1 plus mv2, mmm cancel out, v is equal to v1 plus, हालांकि मैं करा रहा हूं पर ऐसे याद रखना है नॉर्मली, कि जब भी ऐसे सेम मासेस होते हैं ना और इलास्टिक कोलिजन हो रहा हो, एक मास आया दूसरा रेस्ट पे था, तो इसकी जितनी ऐसा सिचुएशन होगी, ये रेस्ट पे ये मास आया, ऐसे आया ऐसे आया, ये रेस्ट पे, और इतनी वेलोसिटी से ये मूव करने लग जाएगा, ऐसे होता है। मेरी बात समझ में आ रही है? अभी प्रूफ कर लेते, देख क्या लिखूंगा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, नहीं, हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम वी वन स्क्वायर प्लस हाफ एम, ठीक है, हाफ एम गए, ठीक है। अब तुम्हारे पास वी वन स्क्वायर प्लस वी टू स्क्वायर है, तो एक काम करो तुम यहां से ना इस वाली इक्वेशन को दोनों साइड स्क्वायर कर लो, दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी वन प्लस वी टू का होल स्क्वायर, वी वन स्क्वायर प्लस वी टू स्क्वायर प्लस 2v1v2। बात समझ में आ रही है? और इधर साइड से क्या है तुम्हारा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू, तो ये क्या हो गया फिर, ये क्या चमत्कार हो गया, अगर इसमें ऐसे कर दिया तो 2v1v2 की वैल्यू तो जीरो आ जाएगी, सही है, 2v1v2 की वैल्यू जीरो आ जाएगी, इसका मतलब क्या है कि v1v2 इन दोनों की फाइनल स्पीड थी, तो v1 या v2 में से कोई एक पक्का जीरो है। मेरी बात समझ में आ रही है? अबे ऐसे तभी तो हो सकता है जब V1 या V2 में से कोई एक पक्का जीरो है। अब यहाँ पे कोलिजन हुआ है, कोलिजन तो ये बात पक्की है कि बाद में मूव करने लग जाएगा, तो अपन V1 को जीरो मान लें, अगर V1 को जीरो मान लिया V1 को, तो V2 की वैल्यू V हो जाएगी। मैं यही तो कह रहा था कि ऐसे चले फाइनली, फिर पहले वाले की जीरो हो जाएगी और दूसरा वाला V से दौड़ने लग जाएगा। बात समझ में आ गई? तो आपको सिंपली क्या करना है, ये आया ऐसे टकराएगा, टकराने के बाद यहाँ पर रुक जाएगा, और ये कुछ रफ्तार V से आगे बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा नहीं बढ़ जाएगा, अच्छा मुझे बताना, ये इसकी मीन पोजीशन थी, मीन पोजीशन पे इसको वेलोसिटी v मिल जाएगी, ये मीन पोजीशन पर इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी होगी, ये ब्लॉक पहुंचा है पहली बात तो यहां पर, इसको मैक्सिमम वेलोसिटी v इज इक्वल टू a ओमेगा मिल गई, मिल गई नहीं मिल गई बोलो। अच्छा मेरे को इसका टाइम पीरियड चाहिए, पहले होगा क्या, देखिए इधर से इधर जाएगा फिर वापस ऐसे आएगा, हो गया, फिर क्या होगा, वापस इस मास को टक्कर मार देगा, तो फिर ये v रफ्तार से वापस ऐसे जाने लग जाएगा, फिर ये दीवार से टकराएगा और वापस यहाँ आएगा,
फिर फाइनली सिचुएशन एकदम ऐसी हो जाएगी जैसे एकदम स्टार्टिंग में थी। हाँ देखो ना, फिर काय को ऑसिलेट कर देगा, टकराने के बाद फिर कॉलिजन होगा इनमें, और ये वाला अपनी वेलोसिटी को इसको ट्रांसफर कर देगा इलास्टिक कॉलिजन में, नहीं रुक जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो फिर क्या होगा, तुम्हें सिंपली क्या करना है, आधा पहले ये ऑसिलेशन कर रहे हैं, इसके लिए आधा टाइम पीरियड लिखोगे पाई अंडर रूट एम बाई के। नहीं आ रही बात समझ में? तो आधे ऑसिलेशन का टाइम लिख दो पाई अंडर रूट एम बाई के, कोई दिक्कत? मतलब यहां से यहां तक का टाइम मैंने मान लिया टी वन, और टी वन को मैंने लिख दिया पाई अंडर रूट एम बाई, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इस मास ने इसको टक्कर मार दी, और टक्कर मारने के बाद ऐसे जाएगा और इस दीवार से टकराएगा और फिर वापस आ जाएगा इतनी रफ्तार से। सारे कॉलिजन परफेक्टली इलास्टिक मान रहे हैं, तो ये जब दीवार से वी वेलोसिटी टकराएगा तो लौट कर वी वेलोसिटी से ही आएगा। तो एक तो हमने स्प्रिंग का लिख लिया टी वन, एक ये जो मास ने पहले इधर से इधर गया, फिर वापस इधर से इधर पूरा गया, और फिर वापस इधर आया, यहां से यहां तक का पूरा टाइम लिखना पड़ेगा ना। दिखाऊं? देखो ऐसे ऐसे, फिर ऐसे और फिर ऐसे। मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो कोई दिक्कत? अच्छा यहां से यहां तक कोई स्प्रिंग कनेक्टेड है क्या? तो 2 पाई इन टू टेन बाई के नहीं लिखना, सिंपली टाइम लिखो। हाँ डिस्टेंस अपॉन स्पीड लिखो, यहां से यहां तक पहले गया तो एल डिस्टेंस कवर करी वी वेलोसिटी, तो एल अपॉन वी। फिर वापस यहां से यहां आया तो 2L डिस्टेंस ट्रेवल करी V से, तो 2L अपॉन V। फिर वापस यहां से आया फिर L अपॉन V, तो कुल मिला के 4L अपॉन V। तो T2 लिख लेता हूं मैं 4L अपॉन, तो टोटल टाइम पीरियड पूरी यहां से यहां तक जो भी कुछ हुआ उसका टोटल टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, पाई अंडर रूट एम बाई के प्लस 4LY। बात समझ में आ गई? बोलो कोई दिक्कत? छापो कि आपके पास ऐसे कुछ बॉक्स टाइप की चीज है, इसके सीलिंग से ये सिंबल पेंडुलम लटका हुआ है, ठीक है? इस स्ट्रिंग की लेंथ वही एल दे रखी है, ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अल्फा है, और एक्सेलरेशन इसका ए है नीचे की तरफ, ठीक है? आपसे बोला गया ये ऑसिलेट करेगा, ऑसिलेट करेगा तो इसका टाइम पीरियड बताओ। क्या बताओ? टाइम पीरियड, ठीक है? अब इसका टाइम पीरियड कैसे बताएंगे बताओ, एक ही तरीका समझा है, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी इफेक्टिव। जी इफेक्टिव तो निकालना पड़ेगा ना। अब जी इफेक्टिव कैसे निकलेगा, इस ब्लॉक पे वो देख लो, इस बॉब पे वो देख लो, जो जो फोर्सेस लग रहे हैं। बात समझ में आ रही है? कौन कौन से लगेंगे देखो ध्यान से, ध्यान सुनो। एम जी तो ऐसे लगता है, और अल्फ ये वाला कंपोनेंट एम जी कॉस अल्फा, और ये वाला एम जी साइन अल्फा, ठीक है? और एक सूडो फोर्स लगेगा पीछे की तरफ एम ए, ठीक है? अच्छा और क्या होगा, और इस पे ऐसे करके, अच्छा इस पे नॉर्मल लग रहा है कि नॉर्मल 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 नहीं लग रहा, क्योंकि किसी और के कांटेक्ट में थोड़ी ना, हवा में। बात समझ में आ रही है? टेंशन, हाँ टेंशन लगेगा, ठीक है? टेंशन का, टेंशन तो खैर क्या होगा, टेंशन टेंशन जो है वो इसी के पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से पास कर रही है, तो इसकी वजह से कोई टॉर्क जनरेट नहीं होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? अच्छा एक चीज ध्यान रखना, तुम्हें ऐसा साफ साफ दिख रहा है ना कि एम जी कॉस अल्फा और टेंशन एक डायरेक्शन में नहीं है, मतलब 180 डिग्री नहीं है इन दोनों के बीच का एंगल, थोड़ा सा एम जी कॉस अल्फा ऐसे है और टेंशन अलग है, ठीक है? अब होगा क्या, जैसे जैसे, हाँ जब एक ही होता था, ठीक है? अब क्या ऐसे ऐसे करके नीचे आ रहा है और ऑसिलेट भी कर रहा है, तो कुल मिला के हमें इसका जी इफेक्टिव निकालना है। अब जी इफेक्टिव निकालने के लिए कौन कौन से, एक तो ये जी तो लगी होगा, एक्सेलरेशन कितना होता है जी साइन अल्फा, कैसे आता है देखो, ये एंगल अल्फा पे इंक्लाइंड ऐसे कुछ भी मान लो तुम एम, ठीक है? इस पे ये फोर्स लगा एम जी साइन अल्फा और एम जी कॉस अल्फा, तो कुल मिला के हमें पता है ना कि इसको इधर लाने वाला कौन है, ये जी साइन अल्फा, तो इसका एक्सेलरेशन इधर डायरेक्शन में जी साइन अल्फा होता है, तो जो मैं पीछे सूडो फोर्स लगा रहा हूँ उसकी वैल्यू भी जी साइन एम जी साइन अल्फा होगी, तो कुल मिला के ये वाले और ये वाले कैंसिल आउट हो जाएंगे, हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे? तो इस पे मात्र जो फोर्सेस लग रहे होंगे वो मेरे को कैसे बनाने चाहिए, ये हटा दो, ये हटा दो, क्योंकि एम जी के तो हम ऑलरेडी कंपोनेंट कर चुके हैं, और एम ए हटा दो। मेरी बात समझ में आ रही है? अब फोर्सेस लग रहे हैं ये और ये और, अब कुल मिला के ये जो एम जी कॉस अल्फा है यही इसको ऑसिलेशन करा रहा है, करा रहे नहीं करा रहा, क्योंकि टेंशन तो पूरा पूरा उससे पास कर गया, तो जी इफेक्टिव की वैल्यू हमारे पास कुल मिला के आएगी सिर्फ और सिर्फ एम जी कॉस अल्फा, कितनी? तो टाइम पीरियड क्या आ जाएगा, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी कॉस अल्फा। रॉड अटैच कर रखी है, मास एम है, लेंथ एल है, स्प्रिंग कांस्टेंट दोनों स्प्रिंग्स का के है।
अब क्या कराया जा रहा है ना, इस रॉड को हम थोड़ा सा ऐसे एंगल थीटा डिस्प्लेस करेंगे, थोड़ा सा एकदम बहुत स्मॉल एंगल थीटा, तो क्या होगी रॉड ऐसे होगी। रॉड जब ऐसे हो जाएगी तो ये स्प्रिंग कुछ खिंच जाएगी और ये भी कुछ खिंच जाएगी, तो दोनों की दोनों, ये वाली इधर फोर्स लगाएगी और ये वाली इधर फोर्स लगाएगी, लगाएगी नहीं लगाएगी, तो इसकी वजह से क्या होगा, ये सेंटर के अबाउट वापस इस पे एक रिस्टोरिंग टॉर्क लगेगा, लगेगा या नहीं लगेगा। और जब इस पे रिस्टोरिंग टॉर्क लगेगा तो हम बोल देंगे ये एंगुलर ऑसिलेशन कर रहा है, क्या कर रहा है, तो हम फिर उसका टॉर्क कैलकुलेट करेंगे रिस्टोरिंग टॉर्क। अगर वो माइनस के थीटा वाली फॉर्म में आ गया तो हम ये मान लेंगे कि ये एंगुलर एक्सटेंशन कर रहा है और फिर हम इसका टाइम पीरियड निकाल पाएंगे। आपसे पूछिए फाइंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, इस सिस्टम के ऑसिलेशन की आपको फ्रीक्वेंसी बतानी है, ठीक है। कुछ भी नहीं है, मतलब टॉर्क कैलकुलेट करना है सिंपल, टॉर्क कैलकुलेट करके टॉर्क इज इक्वल टू माइनस के थीटा वाली फॉर्म में आ जाए, फिर उसके लिए क्या लगा देंगे, टी इज इक्वल टू 2 पाई इनटू आई बाई के। नहीं आ रही बात समझ में? अब मैं बताऊँ ना, वो वाली चीजें भी ना तभी नॉर्मली ज्यादा काम करती है जब आपको सिंपली पता है कि ए की उसमें के है स्प्रिंग कॉन्स्टेंट वगैरह और उसी से सब कनेक्टेड है, लगा दो कर दो, इतना ज्यादा कुछ काम की चीज नहीं। तुम सिंपली क्या करो, टॉर्क निकालो, माइनस के थीटा वाली फॉर्म में आ गया, फिर टॉर्क की जगह आई अल्फा रखो, क्या रखो, आई अल्फा। फाइनली उसे रिड्यूस करके जब तुम टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा लिखोगे और साथ में तुम्हारा माइनस के थीटा, तो तुम्हारे पास सिंपली जो भी एक के कॉन्स्टेंट होगा, ये वाला के कॉन्स्टेंट लेना, ना कि इन दोनों स्प्रिंग्स का स्प्रिंग कॉन्स्टेंट। मेरी बात समझ में आ रही है, टाइम पीरियड में क्या लेना है, तो आप ज्यादा बेटर है इसको इस फॉर्म में लिख लो, क्या किस फॉर्म में, इसको ऐसे लिख लो अल्फा इज इक्वल टू माइनस के बाई आई इंटू थीटा, तो जो भी ये क्वांटिटी आ रही है इट इज ओमेगा स्क्वायर, तो इससे ओमेगा आ जाएगी तो फ्रिक्वेंसी निकाल लोगे। मेरी बात समझ में आ रही है, बोलो करें, देखो कर दो, एंगल थीटा मान लो डिस्प्लेस कर दिया, थीटा बहुत ही छोटा एंगल है, थीटा बहुत ही, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा बड़ा एंगल कर दोगे तो ये स्प्रिंग्स ऐसे करके हवा में चली जाएंगी, मुड़ जाएंगी और फिर ये फोर्स ऐसे नहीं लगाएंगी, कुछ ऐसे टेंजेंट वेंजेंट बना के लगाएंगे। मेरी बात समझ में आ रही है, इसलिए यहाँ पे ज्यादा शब्द यूज होगा फाइंड फ्रीक्वेंसी ऑफ स्मॉल ऑसिलेशंस। स्मॉल ऑसिलेशन मतलब ये जो आप एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दे रहे हो बहुत छोटा है। मेरी बात समझ में आ रही है, तो आप कुल मिला के अपन क्या करें, अगर हमने इसको डिस्प्लेस करा ऐसे और टॉर्क लग रहा है ऐसे, टॉर्क लग रहा है रिस्टोरिंग टॉर्क, तो उसके आगे एक माइनस साइन लगाएंगे, पहले वाले का टॉर्क लगते हैं, फोर्स कितना लग गया, उसके लिए मेरे को ये एक्सटेंशन जानने की जरूरत पड़ेगी कितनी है, पड़ेगी नहीं पड़ेगी, ध्यान समझ में आ रहा है, ये एंगल थीटा घुमा, ये लेंथ कितनी है एल बाई टू, तो ये क्या हो जाएगी आर्क जैसी बन जाएगी, आर्क, आर्क इज इक्वल टू एंगल इनटू रेडियस, होती है नहीं होती, तो कुल मिला के ये क्या हो जाएगी आर थीटा, होता है फॉर्मूला आर थीटा, एल थीटा बाई टू, एल थीटा बाई, तो फोर्स कितना लगेगा के एल थीटा बाई, ऐसे ये वाली इधर फोर्स लगाएगी के एल थीटा बाई, दोनों मिला के टॉर्क लगाएंगे इस सेंटर के अबाउट ही, टॉर्क निकालेंगे तो टॉर्क रीस्टोरिंग टॉर्क विल बी, पहले वाले के लिए लिखेंगे माइनस फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लिखेंगे या नहीं लिखेंगे बोलो, तो इधर क्या आ जाएगा, क्या हो जाएगा, देखो के एल थीटा बाई टू इंटू में एल बाई टू आ जाएगा कि सिंपल, सिंपली एल बाई टू आएगा क्या, ध्यान सोचो, ये ऐसे खिंची, ऐसे फोर्स लगा, ये आर है, ये डिस्टेंस है सेंटर से, तो ये डिस्टेंस और फोर्स परपेंडिकुलर है क्या, ये डिस्टेंस ऐसे और फोर्स लग रहा है ऐसे, परपेंडिकुलर थोड़ी ना है, तुम्हें पता है ना फॉर्मूला क्या होता है, आर एफ साइन थीटा, होता ही नहीं होता, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन आर एंड एफ, बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो आप सिंपली क्या करो, ये आर हो गया, सॉरी एफ हो गया, आर कितना है इसमें सेंटर से डिस्टेंस एल बाई टू इंटू में साइन थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन R एंड F, R एंड R ऐसे है और F ऐसे, तो इन दोनों के बीच का एंगल लेना है आपको थीटा, ये वाला साइन 90 डिग्री थीटा, मेरी बात समझ में आ रही है, तो वो क्या आ जाएगा कॉस थीटा, कोई दिक्कत। अब तुम्हें पता है कि थीटा की वैल्यू बहुत छोटी है, तो थीटा की वैल्यू अगर बहुत छोटी होगी तो मतलब कॉस जीरो के आसपास जा रहा है, जब थीटा बहुत स्मॉल होता है तो कॉस थीटा की वैल्यू लगभग 1 रख देते हैं, तो फाइनली तब ये आएगा टॉर्क इज इक्वल टू, इस वाले की वजह से, इस वाले की वजह से आया टॉर्क इज इक्वल टू माइनस के एल स्क्वायर थीटा बाई फोर, बात समझ में आ रही है, ऐसी साथ में इसकी वजह से भी तो टॉर्क लग रहा है, इसकी वजह से भी टॉर्क इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश कर रहा है, तो इसका भी सेम इतना ही टॉर्क आएगा,
तो जो नेट रीस्टोरिंग टॉर्क होगा, ये टॉर्क रीस्टोरिंग हो गया और ये टॉर्क वन लिख देते हैं, वो जाएगा इतना माइनस इतना, बोलो तो कुल मिला कितना हो जाएगा, माइनस के एल स्क्वायर थीटा बाई टू। बात समझ में आ रही है? तो टॉर्क रीस्टोरिंग आ गया माइनस के थीटा वाली फॉर्मेट में आ गया। अब टॉर्क की जगह क्या लिख देंगे, आई अल्फा लिखेंगे या नहीं लिखेंगे, अल्फा को अल्फा रहने दिया। अब आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया रॉड का सेंटर के अबाउट कितना होता है, एम एल स्क्वायर बाई ट्वेल्व, ये हो गया, ये एल स्क्वायर से एल स्क्वायर गया और ये 6 बार चला गया, तो आपके पास अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, अल्फा इज इक्वल टू -6 के थीटा बाई एम। बात समझ में आ रही है? तो ये क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर। तो सिंपली आपके पास ओमेगा की वैल्यू आ गई अंडर रूट 6 के बाई, तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, एफ इज इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा अपॉन 2 पाई, तो यानी कि 1/2 पाई अंडर रूट 6 के अपॉन। बात समझ में आ गई? बोलो इस वाले क्वेश्चन दोनों मास हो गए एमएम, है ना, दोनों ये एक स्प्रिंग ये हो गई, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट के और ये वाली स्प्रिंग का भी स्प्रिंग कांस्टेंट के, आइडेंटिकल स्प्रिंग्स हैं। इस सर्कल की रेडियस यहां से यहां तक की मान लो आर, कितनी, अब क्या करना है इनको, फिलहाल मीन पोजीशन पे दोनों, इसको नाम दे दिया ए, इसको नाम दे दिया बी, इसको हमने दोनों को ही थीटा थीटा एंगल ऐसे डिस्प्लेस किया, थीटा एंगल डिस्प्लेस कर देंगे इसको भी, और तो ये यहाँ थीटा, ये भी थीटा, मास पहुंच जाएगा यहां पर और ये यहां पर, तो वहां पर ऐसे रिस्टोरिंग टॉर्क लगेगा। अब उसका एंगुलर ऑसिलेशन का टाइम पीरियड कितना होगा ये हमें निकालना है, ठीक है, फाइंड टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। ठीक है, तो रीस्टोरिंग टॉर्क लिखना है, तो उसके लिए पहले फोर्सेस लिख देते हैं। मुझे बताओ ये जो ऊपर वाली स्प्रिंग है, ये जो ये दब गई और नीचे वाली खिंच गई, ऊपर वाली ने दबाव महसूस किया कुछ, कितना दबाव महसूस किया, यहां से कुछ ये और यहां से कुछ ये, अच्छा ये कितना आर थीटा और ये भी, तो कुल मिला के इसकी जो लेंथ थी, लेंथ जो थी इसकी वो 2 आर थीटा कम हो गई। तो जहां भी ये फोर्स लगाएगी, जिस पॉइंट से भी कनेक्टेड होगी, ये फोर्स कितना लगाएगी, के इंटू 2 आर थीटा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो इस वाले पर, ये मास पर जो यहां पहुंच गया है, इस पर ऐसे टेंजेंशियल डायरेक्शन में फोर्स लगाइए, कितना 2 r थीटा इंटू के। मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो ऐसी ये वाली स्प्रिंग इतना 2 r थीटा खिंच गई है, तो वापस अपनी तरफ रिस्टोर करेगी अपनी लेंथ को, तो ये भी ऐसे ही फोर्स लगाएगी के इंटू 2 r थीटा। तो कुल मिला के इस वाले मास पर फोर्स कितना लग रहा है, 4 k 4 k r थीटा। बात समझ में आ रही है? तो एफ टेंजेंशियल, टेंजेंशियल डायरेक्शन में लग रहा है, इसलिए एफ टी इज इक्वल टू 4 k r थीटा। बात समझ में आ रही है? तो जो रीस्टोरिंग टॉर्क लगा इस बी पर, वो कितना हो गया, रीस्टोरिंग टॉर्क कैसे देखेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर है और फोर्स इतना लग रहा है, तो आर का मल्टीप्लाई कर देंगे और रीस्टोरिंग टॉर्क है इसलिए माइनस लगा ली, तो -4 k r² थीटा। अब इस टॉर्क की जगह आई अल्फा रख देंगे, क्या रख देंगे, क्या हुआ, अबे फोर्स ये रहा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये रही, ठीक है। अब टॉर्क की जगह आई अल्फा रखेंगे, इस पॉइंट के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, एम आर स्क्वायर है या नहीं है, तो क्या लिख देंगे, एम आर स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू -4 k r² थीटा। ठीक है, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर गया, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, -4 k/m इंटू थीटा। बात समझ में आ गई? तो हमारे पास कुल मिला के ये हो गया ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा की वैल्यू कितनी, अंडर रूट 4 k/m, तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, 2 पाई अंडर रूट एम बाई 4 k। मेरी बात समझ में आ गई, टफ तो नहीं लग रहा, ठीक, ओके।